नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में राकेश। बिहार में कोरोना वायरस से दूसरी मौत शुक्रवार को हो गई। वैशाली जिले के राघोपुर निवासी 35 वर्षीय युवक को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद राजधानी पटना स्थित एम्स के आइसोलेशन वार्ड में उसे रखा गया था। एम्स प्रशासन के मुताबिक युवक टीबी और ब्रेन संक्रमण से ग्रसित था। मालूम हो कि इससे पहले पटना एम्स में ही मुंगेर निवासी युवक की मौत कोरोना वायरस से हुई थी। और आपको ये भी हम बताते चले कि बिहार में कोरोना वायरस से दूसरी मौत वैशाली जिले के रहने वाले 35 वर्षीय युवक की पटना एम्स में हो गई। इससे पहले मुंगेर निवासी युवक की मौत भी पटना एम्स में हुई थी। पटना एम्स प्रशासन ने पुष्टि करते हुए कहा कि वैशाली निवासी कोरोना पॉजिटिव 35 वर्षीय युवक ने दम तोड़ दिया है। एम्स के नोडल ऑफिसर डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने भी बताया कि वैशाली निवासी 35 वर्षीय मरीज को 14 अप्रैल को एम्स में इलाज के लिए लाया गया था। युवक को ब्रेन में संक्रमण, इंसेफ्लाइटिस, बुखार से बेहोशी सहित अन्य तरह की शिकायतें थी। उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। युवक में कोरोना वायरस की जाँच कराई गई थी। इसकी 15 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उसकी हालत बिल्कुल नाजुक बनी हुई थी, इसलिए उसे आइसोलेशन वार्ड में वेंटिलेटर पर रखा गया था। इलाज के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। उसके परिवार वाले के 3 सदस्यों को भी अब आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है। इनकी रिपोर्ट कोरोना निगेटिव आई है। कहाँ, उसके घर से किधर है? और नेशन भारत अपील करता है कि कोरोना से बचाव को लेकर एहतियात बरतिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।